एवरीवन, वेलकम बैक टू किचन विंग्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन काली मिर्च की रेसिपी। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। चिकन काली मिर्च बनाने के लिए हमें चाहिए है 2 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं ये मैंने, 5-6 ये हरी मिर्च ली हैं, 15-20 काजू लिए हैं। इसका हम एक फाइन पेस्ट रेडी करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैन ले लेंगे और उसमें मैं ऐड करूंगी 1 कप ऑयल। इसको हीट अप करेंगे। नेक्स्ट इसमें 4-5 लौंग लेंगे, 1 बे लीफ तेज पत्ता और 4 छोटी इलायची लेंगे। ये इसमें ऐड कर देंगे और इसे सॉटे करेंगे। ये मेरे मसाले सॉटे हो गए हैं, इसे ज्यादा डार्क नहीं करेंगे। अब 2 मीडियम साइज की प्याज ली हैं मैंने और इन्हें चॉप कर रखा है मैंने, ये इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम लाइट गोल्डन करेंगे। ये प्याज हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है, इसे ज्यादा डार्क नहीं करेंगे हम। अब मैंने ये चिकन लिया है, ये 1 kg चिकन है, 1 किलो, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसे इसके साथ में फ्राई करेंगे। इस चिकन को हमें इस प्याज के साथ अच्छे से फ्राई करना है। इसका कलर चेंज हो गया है, देखिए ये वाइट हो गया है। 2-3 मिनट हमें इसके साथ ऐसे ही फ्राई करना है अपने चिकन को। नेक्स्ट इसमें जाएगा 4 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसके साथ भी इसे फ्राई करेंगे जब तक कि हमारी जिंजर गार्लिक पेस्ट का जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता है, तब तक हम इसे भूनेंगे इसके साथ। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी हमारा अच्छे से भुन गया है और इसका जो कच्चापन था वो ख़त्म हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम कर्ड दही, ये दही ऐड कर देंगे इसमें और इसके साथ भी इसे हम कुक करेंगे 2-3 मिनट के लिए। ये दही भी हमारा इस चिकन के साथ भुन गया है और इसने काफ़ी सारा पानी रिलीज किया है चिकन ने, दही ने भी हमारा काफ़ी सारा पानी रिलीज किया है। अब जो मैंने अपना पेस्ट रेडी किया था हरी मिर्च काजू और टमाटर का, ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसके साथ भी हम इसे कुक करेंगे 10-15 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि हमारा चिकन इसके साथ अच्छे से गल नहीं जाता है। ये अच्छे से भून रहा है हमारा चिकन भी, लगभग हमारा 50% तक गल गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी सॉल्ट, 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट लिया है, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट इसमें जाएगी ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, इसे मिक्स करेंगे। इसमें अलग से हम पानी ऐड नहीं करेंगे, ये इसी के पानी में अच्छे से गल जाएगा हमारा चिकन। अब मैं इसकी लिड कवर कर दूंगी और लो टू मीडियम हीट पर हम इसे कुक करेंगे 10-15 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि हमारा चिकन अच्छे से गल नहीं जाता है। 10-15 मिनट हो गए हैं मेरे इस चिकन को कुक होते हुए, अब हम इसे चेक कर लेंगे। ये चिकन मेरा अच्छे से गल गया है। नेक्स्ट इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, ये इसमें ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे इसे अच्छे से। ये कसूरी मेथी भी इसमें मिक्स हो गई है, आप इसकी जगह फ्रेश मेथी भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 250 ml फ्रेश अमूल क्रीम, ये इसमें ऐड कर देंगे हम। इसे क्रीम को हमें अच्छे से मिक्स करना है इसमें। ये क्रीम ऐड करके हम इसे बस 5 मिनट के लिए और कुक करेंगे, इसको ज़्यादा देर कुक नहीं करेंगे वरना इस क्रीम में से घी निकल आएगा और फिर हम इसे सर्व कर लेंगे। तो हमारा काली मिर्च चिकन बनकर रेडी है। डू ट्राई इट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड फेसबुक। टिल देन, बाय बाय।